नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लांघायते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। कृपया क्षमतामपराधिजनं खलुषायुतशक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमापदं वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च एव च तानां पावनेभ्यो वैष्णवे कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तं तप्तकान्ते वृषभानुसु प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। भुजे सव्य वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर कटाक्षे सदा श्रीमद्वृंदावन वसति लीला परिचय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणां याशां हरि गीतं पुनात्रयं भक्त्या विहीन अपराध लक्षै क्षिप्ताश्च कामादि तरंग मध्ये कृपामयी त्वां शरणं प्रपन्न प्रणारविन्द। भूमस्वखलित पादानां भूमिरेव राधानां प्रभु वागीशा यस्य वदने लक्ष्या च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहामहं भजे। चैतन्य प्रभु नित्यानंद धर श्रीवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ग्रंथेरारंभे कुरि मंगलाचरण वैष्णव भगवान तिनेरस्मरण तिनेरस्मरणे हाय विघ्न वांछित पुरण। कल बारे में बोल रहे हैं, एक प्रकाश मूर्ति और एक विलास मूर्ति, एक ही रूप में विभिन्न, एक ही आकार में विभिन्न रूप, विभिन्न विस्तार होते हैं, उसको बोलते हैं प्रकाश मूर्ति। और विलास मतलब आकार में भेद है, और तत्व में वही, स्वरूप में वही है लेकिन आकार में भेद है, उसको बोलते हैं ब्रजेंद्र नंदन। श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं, उनका ही कायव्यूह है, इसीलिए वो ये गोपियां जो है सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार रहा हूं ऐसा करके है मंगलाचरण का प्रथम श्लोक, वहां पर उन्होंने समाप्त किया। उस श्लोक के बारे में बोल रहे हैं श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु जो है सूर्य और चंद्र की तरह है, एक ही समय में एक ही साथ जो है प्रकट होकर के ज्ञान को उन्होंने नाश कर दिया और मंगल उन्होंने हम लास्ट पढ़े थे कि सूर्य चंद्र जिस प्रकार अंधकार को नाश कर देते हैं
और वस्तु को प्रकाशित करते हैं और धर्म का प्रचार उसका वास्तव स्वरूप है उसका अवलोकन कराते हैं। उसी प्रकार ये दोनों भाई चैतन्य नित्यानंद प्रभु जो है इस जगत में जितने भी अंधकार है उस सबको नाश करके तत्व वस्तु को दान करते हैं। तो अभी श्रीमद् भाग चैतन्य चरितामृत आदि लीला प्रथम परिच्छेद 90 नंबर पैयार से पढ़ेंगे। अज्ञान तमेर नाम कहिए कैतव धर्म अर्थ कामवांछा आदि यही सब। तो अज्ञान मतलब क्या है, तो इस श्लोक में आता है कि वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ देशे पुष्पवंतो चित्रो शब्दो तमो वाले। तो बोलते हैं अज्ञान तिमिर वो क्या है, धर्म अर्थ कैतव क्या वंचनीय वस्तुएं क्या है, धर्म अर्थ सबकी वांछा अज्ञानतम है इस जगत में, क्योंकि ये कि हमारे पुरुषार्थ वस्तु है। जितने भी हमारे जो विधि के अनुसार कर्मकांड पालन करके जो पूजा अर्चन विधान को फॉलो करते हैं वो ये चार पुरुषार्थ के लिए करते हैं, क्या धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यही चार पुरुषार्थ के लिए करते हैं। और इसको पुरुषार्थ भी बोलते हैं, पुरुषार्थ मतलब जो प्राप्य वस्तु है, धर्म मतलब कोई अच्छा धर्म कार्य करके जो बोलते हैं श्रेष्ठ क्या प्राप्त करना, धन को कैसे ये करना और इंद्रिय क्या बोलते हैं इंद्रियों को किस प्रकार एन्जॉय करना है, इन सब का जो शिक्षाएं हैं और काम कामना वासना ये तीन चीज़ों को और इसके ऊपर जो मोक्ष इन तीनों चीज़ों से गया है और बोल रहे हैं अज्ञान ये कैतव जो ये वंचनाएं हैं क्या है धर्म अर्थ काम वांछा ये सब बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवत का प्रथम स्कंध से प्रथम अध्याय का श्लोक धर्म प्रोजित धर्म तवत्रो परमो निर्मत्सरानाम सताम वास्तव अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामनुकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृदय हृदय अवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषु भिस् तत्क्षणात्। आदौ महामुनि श्री नारायण कर्तृक चतुर्श्लोकी रूपे निर्मिता। ये बोल रहे हैं ये श्लोक ये श्रीमद् भागवतम जो है ये ग्रंथ सर्वप्रथम महामुनि नारायण ही स्वयं नारद को दिए हैं और नारद जो है ब्रह्मा को दिए, ब्रह्मा नारद को दिए, नारद ने जो है निर्मत निर्मत सर व्यक्ति जिस व्यक्ति का भाव नहीं है मात्र भाव मतलब जलन कर, जलन होना और दूसरों का देख करके खुद ना ये सब निर्मत सर दूसरों के प्रति जिनका एनवी नहीं है वो है निर्मत्सर। श्रीमद् भागवत ग्रंथ वैसे ही व्यक्ति आस्वादन कर पाएगा जो व्यक्ति का कोई मत्सरता नहीं है। मत्सरता भाव कब तक रहेगा, धर्म अर्थ काम इन सब चीजों की वांछाओं में जब तक रहेंगे तब तक दूसरों के प्रति मत्सर्य भाव तो आएगा ही आएगा। इसीलिए बोल रहे निर्मत्सरानाम ये किस प्रकार है, ये ग्रंथ निर्मत्सर व्यक्ति के लिए है जो जगत में है उस व्यक्ति के लिए नहीं है। सर्वभूते दया विशिष्ट मतलब किसी कोई भी प्राणी को हानि करने का कोई उसको ये नहीं है, उल्टा सबके प्रति दया विशिष्ट जिसके प्रति जिसको दया है। जन्म धर्म मुख पर्यंत कैतव शून्य परम धर्म व्याख्यात हो याचे। ते श्रीमद् भागवत ग्रंथ में किस प्रकार है बोल रहे हैं धर्म अर्थ काम मोक्ष पर्यंत मतलब यहां तक कि मोक्ष तक को भी उन्होंने
कैतव कर दिया। ये सब कैतवता से शून्य, मतलब ये सब कैतव धर्म जो है, क्यों कैतव है, क्यों बताया गया कैतव का कार्य ही कर रहे हैं, लेकिन वास्तव धर्म के जीव का वास्तव धर्म से रह रहे हैं। उसका नाम है धर्म अर्थ। इसलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, अगर इन सब चीजों को पुरुषार्थ बोल रहे हो, पुरुषार्थ शिरोमणि है प्रेम, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष साधारण लोगों के, तो इसलिए बोल रहे हैं काम मोक्ष मोक्ष पर्यंत तो कैतव शून्य परम धर्म व्याख्यात हो जाए। जो श्रीमद् भागवत में परम धर्म के बारे में, परम धर्म मतलब जो पर वस्तु जो भगवान है उनकी सेवा, उसके बारे में, क्योंकि धर्म अर्थ काम मोक्ष, गुरु महाराज जी यहां तक बोलते हैं कि मोक्ष मतलब क्या है, कोई भी वस्तु, कोई व्यक्ति एक बद्ध अवस्था में है, उस बद्ध अवस्था से मुक्त होने को मोक्ष बोलते हैं। कोई जिस प्रकार एक ऋणग्रस्त व्यक्ति है रोगमुक्त हो गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमीर हो गया या तो वो क्या बोलते हैं एकदम बलवान हो गया, रोग से मुक्त हुआ, मतलब वो एक अनवांटेड सिचुएशन से एक जीरो आना, जिस चीज का हमारी मतलब जो नहीं होना चाहिए उस नहीं होना से जीरो तक आना, वो है मोक्ष, किंतु वास्तविकता में वो पॉजिटिव नहीं है। इसी प्रकार बोल रहे हैं कि ये सब कैतव शून्य परम धर्म व्याख्यात हो जाए। श्रीमद् भागवतम में जो सब कैतव धर्मों से शून्य होकर के परम धर्म की व्याख्या है। सही धर्म जीवेर त्रिताप नाशक, ये भागवत धर्म या श्रीमद् भागवत में जो धर्म को बताया गया है, परधर्म जो भगवान का धर्म, उसको पालन करने से त्रिताप नाश, जो तीन तापों से जो जर्जरित है, क्या आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक त्रिताप, अपने मन के द्वारा, अपने शरीर के द्वारा दुख, और देवताओं के द्वारा जो विपदाएं हैं, वो सब त्रिताप इस जगत में जब तक रहेंगे तब तक उनसे जर्जरित रहेगा ही। तो त्रितापों से मुक्त भागवत धर्म अवलंबन करने से त्रिताप मुक्त होगा। शिव मतलब मंगल उत्पादन करने वाला, एक तो अमंगल दूर होगा, अमंगल दूर होने से नहीं होगा, मंगल भी तो विधान करना पड़ेगा, अमंगल दूर होना एक क्या है, एक नेगेटिव से बचना, लेकिन पॉजिटिव होना शिवदम, वो परम मंगलदायक है। ओ वस्तुर वस्तु तत्व ज्ञान प्रद, वस्तु का वस्तु तत्व मतलब वस्तु का ज्ञाने में हमको उसके बारे में ज्ञान प्रदान करता है। वस्तु का स्वरूप क्या है, मतलब भगवत वस्तु जीव प्रकृति ये सब वस्तुओं का जो है वास्तव स्वरूप, जैसे पहले बोला था ना, सूर्य चंद्र जब उदित होंगे क्या होगा, जितने भी तिमिर अज्ञान जो है सब नष्ट हो जाएगा, सर्व प्रकार मंगल उदित होगा, और वस्तु का जो वास्तव स्वरूप है उसका दर्शन होगा। जैसे कल हमने उदाहरण में सुना था कि सब चीजों को जैसे सूर्य उदित होने से अंधकार में देखा नहीं जाएगा कौन क्या है, हाँ कोई रहा है, वो आदमी कौन है वो नहीं समझ में आएगा, कोई वस्तु दिख रहा है लेकिन वस्तु क्या है समझ में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही सूर्य का किरण पड़ते हैं या तो सूर्य उदित होते हैं, रोशनी के साथ साथ जो सब वस्तु का अपना वास्तव स्वरूप नजर आ जाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर बोल रहे हैं श्रीमद् भागवत का अवलंबन करने से त्रिताप नाश, मंगलप्रद मंगल का आविष्कार, जो वास्तव तत्व है प्राप्त होगा। यहार श्रवणेच्छुक व्यक्तिगण इच्छा मतो ईश्वर के हृदय अवरुद्ध करते समर्थ होन, इतना ही नहीं, अंधकार नाश, मंगल का प्राकट्य
और जो है वस्तु का वास्तव स्वभाव का जो ज्ञान, इतना ही नहीं अपने इच्छा वस्तु मतलब भगवान जो आराध्य वस्तु है उनको अपने हृदय में जिस रूप में हम उनको करना चाहते हैं उस रूप में हम उनको अनुभव भी कर सकते हैं। ये भागवत धर्म से मोक्ष दर्शन भगवान का प्राप्त होगा। भागवत अन्य शास्त्र इसीलिए भागवत का क्या प्रयोजन है, जो मंगल भी हो जाएगा, त्रिताप भी दूर हो जाएगा और ज्ञान भी होगा और जो इष्ट वस्तु का दर्शन भी मिलेगा। महत भागवत ग्रंथ है, इसको छोड़ करके और दूसरा ग्रंथ को अध्ययन करने का क्या है? भागवत ग्रंथ वेदव्यास मुनि ने अपना भक्ति का पराकाष्ठ अवस्था में इसको लिखा है। सब वेदों को, उपनिषदों को सबको विभाजन करके लिखने के बाद, बहुत पुराण सब लिखने के बाद जब उनको शांति नहीं मिली तब उन्होंने नारद की कृपा से इस शास्त्र की रचना की, जो नारद गोस्वामी ने चतुश्लोकी भागवत जो दिया था। उन्होंने जो ना की, इसलिए सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। और श्रीमद् भागवत इसको ये भी है कि उन्होंने जो वेदांत लिखा है उन वेदांत सूत्रों का जो भाष्य, जो स्वाभाविक भाष्य है, जो बाकी अन्य अन्य लोगों ने जो शंकराचार्य ने शंकर भाष्य लिखा या शारीरिक भाष्य लिखा, जो इस वेदांत सूत्रों का जो स्वाभाविक भाष्य है या जिस ग्रंथकार ने वेद का विभाजन किया उसी ग्रंथकार के द्वारा जो भाष्य है वो श्रीमद् भागवत ग्रंथ है। इसीलिए सब शास्त्रों का जो मूल सार भागवतम में, इसलिए निगम कल्पतर और गलितम फलम शुक मुकादमृत द्रव समुद, जितने भी शास्त्र है उसका गलित फल है, उसका जो परिपक्व फल है श्रीमद् भागवत। उस श्रीमद् भागवत पुराण का जो आस्वादन करेगा उसको अन्य ग्रंथों का आस्वादन करने का रुचि भी नहीं रहेगा और जरूरत तो पड़ेगा ही नहीं। इसलिए बोल रहे हैं कि किम वा परैरीश्वर, दूसरा ग्रंथ की क्या जरूरत है जब श्रीमद् भागवत से सब कुछ हो जाएगा। तो प्र शब्देन मोक्ष मोक्षाभि संधिरपि निरस्तुतः इति, ओ एक बीच में रह गया, तार मध्ये मोक्ष प्रधान जहा होते कृष्ण होय अंतर्धान। बोल रहे हैं कि जो धर्म अर्थ काम वांछा ये सब क्या है, कैतव है, कपट धर्म है, वंचना करने वाले धर्म है। इन सब में से और भी कपट क्या है, प्रधान कैतव क्या है, मोक्ष वांछा, मोक्ष की, मोक्ष प्राप्त करने की जो इच्छा है वो प्रधान कैतव है। क्यों बोल रहे हैं, जहां होते कृष्ण भक्ति होय अंतर्धान, जहां पर श्री कृष्ण भक्ति का पूर्ण रूप से अंतर्धान है, मतलब जो व्यक्ति मोक्ष का कामना करता है वहां पर कृष्ण भक्ति की बात नहीं है, वो मोक्ष प्राप्त करना चाहता है बस, कैसे भी करके इस जगत से मुक्ति, लेकिन भक्ति की बात नहीं कर रहा है। इसलिए बोल रहे हैं ये कैतव प्रधान, यहां पर हमारे गुरु जी विशेष करके बोलते हैं, जब वेदव्यास मुनि ने बोला था कि धर्म अर्थ काम के साथ साथ मैंने मोक्ष का भी शास्त्र लिखा है, तो वहां पर वेदव्यास मुनि को नारद गोस्वामी डांटते हैं कि तुमने और भी गंदा काम कर दिया है। धर्म अर्थ काम में लिप्त व्यक्ति जब कोई साधु या गुरु के संपर्क में आता है, मतलब इस त्रिताप में जर्जरित होते हुए नाना प्रकार का दुख पाते हुए और जन्म मृत्यु का जो चक्र में घूमते 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 कोई अगर शास्त्र साधु का या तो भक्त का या गुरु का जो है दर्शन मिल जाए, उनसे हरि कथा श्रवण हो, तो फिर उसका कृष्ण भक्ति उसके का चांस है। लेकिन मुक्ति के द्वारा वंचित, इसलिए इसको बोलते हैं कैतव प्रधान, मुक्ति मतलब
जो भगवान के धाम में जाकर के कोई साहित्य भगवान में विलीन हो गया, लेकिन वहां पर सेवा भाव कहाँ है? जो सेवा में आनंद है उस आनंद जो है मुक्ति में नहीं है। मुक्ति मुक्ति में वास्तविकता में दुखों का अभाव है, सुख है ये बात नहीं है। हम इस जगत में जहां पर दुखों का अभाव है उसी को हम सुखी हैं समझते हैं, कोई ठीक है या नहीं ठीक है। अगर दुख नहीं है तो बोलेगा मैं ठीक हूं, लेकिन वास्तविकता में ठीक क्या है उसको पता भी नहीं है। अच्छा रहना मतलब क्या उसको मालूम नहीं है। जब दुख नहीं है बोलते ठीक हूं मैं। लेकिन मुक्ति उसी प्रकार है, जो जगत में तीन प्रकार का दुख है, त्रिताप है, इस दुखों से निवारण की दशा है उसको बोलते हैं मुक्ति। वहां पर आनंद का लहर नहीं है, दुखों का अभाव है, बस दुख नहीं है वहां पर। लेकिन आनंद का लहर कहां पर है? कृष्ण भक्ति में। तो जो व्यक्ति के लिए, जो व्यक्ति को आप मोक्ष के ओर प्रेरित कर रहे हो, वो व्यक्ति कृष्ण भक्ति जहां पर आनंद के लहरों में गोते लगा करके सब समय नित्य भक्ति में रह सकता है, वो उससे अपने वंचित कर दिया। इसीलिए उसको बोलते हैं कैतव प्रधान, वो सब वंचनाओं में कपटता में टॉप नंबर वन मोक्ष कामना। इसलिए सार्वभौम भट्टाचार्य जब पहले मायावादी संन्यास थे मोक्ष का ही बात कर रहे थे, लेकिन जब महाप्रभु का संपर्क में आया, महाप्रभु का सिद्धांत को सुना, तो जो तत्यानुकंपाम श्लोक है, तत्यानुकंपाम श्लोक में लास्ट लाइन में आता है मुक्ति पदे सदाय भाक, उनको उन्होंने बोला नहीं मुक्ति पद नहीं भक्ति पदे सदाय भाक, क्योंकि मुक्ति शब्द और अच्छा नहीं लगने लगा मेरे को। जो व्यक्ति मुक्ति के बारे में प्रचार कर रहा था वो व्यक्ति अभी बोलते हैं कि मुक्ति शब्द सुनने से ही मेरे को कुछ घृणा लगता है मेरे को, इसलिए उसको उन्होंने बोले भक्ति पदे सदाय भाग। महाप्रभु बोले कोई बात नहीं है, जो शास्त्र में जैसे लिखा है उसको वैसे ही रहने दो, उसको भक्ति पद करने की जरूरत नहीं। मुक्ति जिनके पद में है वो तो मुकुंद ही है, तो वहां पर मुक्ति की बात नहीं कर रहे हैं, मुकुंद की बात कर रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण की बात ही कर रहे हैं। इसीलिए जो व्यक्ति भक्तों का संग करेगा उस व्यक्ति को मुक्ति के ऊपर का क्या महिमा है, भक्ति का क्या महिमा है समझ पाएगा। लेकिन जो व्यक्ति इस मुक्ति में फंस जाएगा वो क्या करेगा? जहां हुई थी कृष्ण भक्ति हो अंतर्धान, वहां पर कृष्ण भक्ति पूर्ण रूप से अप्रकट हो जाएगा, वहां पर कृष्ण भक्ति का नाम और निशान भी नहीं रहेगा। तो उस बंदे को आनंद का प्रशब्दे मोक्षा भी निरस्तु इति पाद, मतलब श्रीधर स्वामी पाद, तज्जन्य प्रशब्दे मोक्षेर अभिसिद्ध रूप कैत उल्लेख कोरियाचन। जो यहाँ पर जो शब्द में ना प्रोजित प्र मतलब यहाँ पर जो कैतव को ही श्रीधर स्वामी पाद ने वहाँ पर लिखा कि उस कैतव को जो क्या बोलते हैं कैतव राहित्य प्रोजित कैतव है ना, प्रोजित कैतव निर्मत्सरा नाम, वहाँ पर प्र शब्द इसलिए हुए कि कैतव राहित्य करने के लिए, राहित्य मतलब बिना कपटता का। तो इसीलिए धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी जो कैतव धर्म है उसको प्रोजित परिपूर्ण रूप से त्याग करके तिरस्कृत करके, ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ प्रेम भक्ति के बारे में बताने जा रहा है। इसमें सर्व मंगलप्रद है, अविद्या दूर है, और बोलते हैं वस्तु का वास्तव तत्व का ज्ञान है, अनुसार अपना इष्ट मूल साक्षात्कार कर पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर प्र शब्द श्रीधर स्वामी पाद ने बोला था करने के लिए, उन्होंने किया। कृष्ण भक्ति र बाधक जतो शुभाशुभ कर्म सी एक जीवेर अज्ञान तमो धर्म। जितने भी धर्म या शुभ व अशुभ कर्म हैं लेकिन कृष्ण भक्ति के बाधक हैं। जगत में बहुत सारे धर्म हो सकते हैं, शुभ अशुभ कर्म हो सकते हैं, लेकिन अगर वो कृष्ण भक्ति के बाधक हैं तो
वो बोलते हैं ही एक जीवेर अज्ञानतमो धर्म, वो धर्म जो है अज्ञानतम का ही धर्म है, वास्तव धर्म नहीं है। वास्तव धर्म मतलब क्या है? धर्म मतलब वही है जो भगवान की सेवा में नियोजित करता है। धर्म स्वानुष्ठितः पुंसान विश्वक्षेण कथासुया न उत्पादयत यतिरतिम श्रमय वही केवलम। अपने अपने धर्म में अनुष्ठित होकर अगर कोई भी व्यक्ति विश्वक्षेण कथासुया न उत्पादयत यतिरति, जो भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न नहीं होता है उस व्यक्ति को, वो धर्म क्या है? श्रम एव ही केवलम, केवल मात्र श्रम है, वो कोई वास्तविक धर्म में नहीं आता है। धर्म मतलब वही है जो वस्तु भगवान का ज्ञान और भगवान तक प्राप्त करा सकता है, नहीं तो बाकी सब क्या बोल रहे हैं? अज्ञान तमो धर्म, अज्ञान धर्म ही है। इसीलिए जितने भी कृष्ण भक्ति बाधक हैं, अगर संसार में कोई बोलते हैं ये करना है वो करना है वो करना है, वो अगर कृष्ण भक्ति के लिए सहायक है तो फिर उसको स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो उसको साथ साथ उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। संसार में बोल सकते हैं ये बहुत शुभ कर्म है, लेकिन अगर वो शुभ कर्म में कृष्ण भक्ति नहीं है, जैसे जो हमारे इंद्र पूजा में सब ग्वाला और जितने भी ब्रजवासी सब इंद्र पूजा करने लगे, लेकिन उन सबको भगवान पलटा दिया, आप सब लोग भक्त, गोवर्धन मतलब भक्त, एक ही साथ भक्त भी है और भगवान भी है गोवर्धन। आप सब लोग इंद्र की पूजा क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अभी ये गोवर्धन जी हमको रक्षा करने वाला है, इसलिए आप गोवर्धन की पूजा कीजिए। तो उन्होंने जो इंद्र पूजा से भक्त की पूजा में सब लोगों को नियोजित कर दिया, जबकि जो ब्रजवासी लोग करते हैं श्री कृष्ण के लिए ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो इंद्र की इसके लिए कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उद्देश्य जब उनका श्री कृष्ण ही है तो कार्य में कोई असुविधा नहीं है, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण उसके माध्यम से हम सबको शिक्षा दे रहे हैं कि शुद्ध भक्त की सेवा, कृष्ण भक्त की सेवा या तो भगवान की सेवा सर्वोत्तम है, इससे श्रेष्ठ और कुछ नहीं है। और उसके लिए कोई भी बाधक है वो सब छोड़ दो। अगर कोई भी कार्य अशुभ लगता है ना, अगर अशुभ लगता है लेकिन कृष्ण भक्ति के बाधक नहीं है वो। जैसे जो कुरुक्षेत्र युद्ध में युधिष्ठिर को भगवान ने बोला झूठ बोलने के लिए, है ना, अर्जुन को बोला युद्ध करने के लिए, युद्ध करना तो गलत बात है, किसी को हत्या करना किसी को मारना तो गलत बात है, लेकिन उन्होंने अर्जुन को प्रेरित किया युद्ध करने के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान ने धर्म स्थापना करने के लिए बोला, भगवान का आदेश वही धर्म है। इसलिए बोल रहे हैं अगर बाहर से देखने के लिए अशुभ लगे भले, या बाहर देखने के लिए शुभ लगे, दोनों अगर कृष्ण भक्ति के बाधक है तो उसको जो है क्या बोल रहे हैं? अज्ञानतम तमो धर्म। लेकिन बाहर से देखने के लिए अशुभ भी लगे, लेकिन अगर वो भगवान के भक्ति प्रेरक है वो उसको उवरणीय है। वो श्री चैतन्य नित्यानंद दुई भाई सूर्य चंद्र स्वरूप, यहां पर भक्तिनाथ ठाकुर जी बता रहे हैं कि चैतन्य प्रभु महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों सूर्य चंद्र के जैसे हैं। जहारा उदित होइया जीवेर हृदयेर अंधकार विनाश करन, ये दोनों उदित होकर के जीवों के हृदय के अंदर जितना भी अंधकार है उन्होंने विनाश किया। एई पद्यगुलीर तात्पर्य एई जे जीव चित स्वरूप तत्व। तो इस श्लोक का तात्पर्य बता रहे हैं कि जीव वास्तविकता में कौन है? चित स्वरूप, ये जड़ स्वरूप नहीं, उसका माइक स्वरूप नहीं है, इसका स्वरूप क्या है? चित स्वरूप। चित मतलब चिन्मय, नित्य रहने वाला ज्ञानमय और आनंदमय चित वस्तु। जीवेर कृष्ण भक्ति और कृष्ण प्रेम, क्योंकि वो चिद वस्तु है, उस चिद वस्तु का जो वास्तव धर्म क्या है या स्वधर्म क्या है, वो स्वधर्म ये है कृष्ण भक्ति या तो कृष्ण प्रेम।
है ना, वो गीता में भगवान बोलते हैं ना, स्वधर्म निधनम श्रेय परधर्म भयावह, अपना धर्म को हमेशा अवलंबन करो, दूसरों का धर्म को तुम अपनाना नहीं। तो बहुत लोग बोलते हैं, सोचते हैं कि वर्णाश्रम धर्म के बारे में बोल रहे हैं, जो ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के जैसा करना पड़ेगा, क्षत्रिय तो क्षत्रिय तो करना पड़ेगा। ये एक प्रकार का अर्थ है डेफिनेटली, ये भी अर्थ है कि जो वर्ण को जो बिलोंग करते हैं उसको वर्ण के हिसाब से, वो आश्रम के हिसाब से उसको करना पड़ेगा, वो तो है। लेकिन इसका गूढ़ार्थ एक और है, अगर स्व अपने आप को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, अगर अपने आप को ब्राह्मण के रूप में डिफाइन कर रहे हैं तो ब्राह्मण धर्म बनता है, अगर अपने आप को संन्यास मान रहे हैं तो संन्यास धर्म बनता है, लेकिन अगर अपने आप को आत्मा डिफाइन किया है तो फिर आत्मा धर्म अपना स्वधर्म बन जाएगा। तो इसीलिए मैं अपने आप को क्या समझता हूं इसके ऊपर निर्भर करता है। तो इसलिए गीता पढ़ने वाले पढ़ते हैं, लेकिन सबका अलग अलग रूप से उसको समझ में आता है। तुम्हारा तो धर्म ये नहीं है, तुम ये क्यों छोड़ दिया, तुम्हारा तो धर्म है तो तुम क्षत्रिय का धर्म है तुम्हारा तो तुम ये क्यों कर रहे हो। लेकिन वास्तविकता में जीव का धर्म क्या है, वो है स्वधर्म, बोल रहे हैं वो है कृष्ण भक्ति। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जब मैं चित स्वरूप हूं, मेरा स्वरूप का वास्तविक धर्म है या वास्तविक स्थिति है कृष्ण भक्ति या कृष्ण का सेवक। शुभ कर्म पुण्य और अशुभ कर्म पाप एवं मोक्ष अभिसिद्धि सकले जीवेर स्वधर्म रूपे प्रवेश करत ताहा के तमोधर्मेर करिया छे। बोल रहे शुभ कर्म अशुभ कर्म जगत में, मतलब अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य जो भी, और मोक्ष सिद्धि, यहां तक कि मोक्ष भी, सब जीवों को स्वधर्म रूपे प्रवेश स्वधर्म के रूप में प्रवेश कर गया सबके हृदय के अंदर। यही मेरा धर्म है, क्या धर्म, अर्थ काम को सिद्ध करना, मोक्ष सिद्धि करना। अगर ब्राह्मण या तो अगर क्षत्रिय अपने क्षत्रिय धर्म या तो ब्राह्मण धर्म या तो वैश्य धर्म को पालन करेगा तो फिर अपना स्थान से च्युत हो जाएगा। तो उसको इस प्रकार लोगों में भय है, वो उस भय की वजह से कुछ लोग करते हैं, लेकिन वास्तविकता में स्वधर्म किसको बोलते हैं, बोल रहे हैं ये सब जो है ये स्वधर्म रूप में जिस जितने भी प्रकार का जितने भी मिसअंडरस्टैंडिंग से लोगों में ताहा के तमोधर्ममय करिया छे, उनको वास्तविकता में तमोधर्म का ही वश कर दिया। तमोधर्म है ये अज्ञान तमेर नाम कहिए कहित धर्म अर्थ काम वांछा, ये सब जो है क्या तमोधर्म है। तो लेकिन ब्राह्मण अच्छे से अपना ब्राह्मण धर्म को पालन करेगा तो क्या मिलेगा, हो सकता है कि अच्छा इंद्र पदवी या चंद्र पदवी या तो ब्रह्मा का पदवी ऐसा कुछ मिलेगा, उससे क्या फायदा है। हाँ ब्रह्म भुवन आलोक पुनरावर्तन अर्चना, जब ब्रह्म लोक से लेकर के पाताल लोक तक सब मरणशील हैं तो ब्रह्मा रहेंगे तो हो सकता है लंबे समय के लिए ब्रह्मा रहेंगे, लेकिन फायदा क्या होगा अल्टीमेटली। इतना साल का या इतने युगों का इंद्रिय तर्पण से हम कृष्ण भक्ति से उतना ही वंचित रहेंगे, लेकिन कृष्ण भक्ति की ओर तो हमारा जर्नी आरंभ भी नहीं होगा। तो इसलिए बोल रहे हैं ये सब क्या है, तमोधर्म ही है, स्वधर्म नहीं है। कर्म और ज्ञान प्रतिपादक समस्त उपदेश ही कैतव, कर्म संबंधित और ज्ञान संबंधित जितने भी उपदेश है, तुम्हें ये कर्म करना चाहिए, तुम्हें ये कर्म करना चाहिए, तुम्हें ये कर्म करना चाहिए, ये सब बोल रहे हैं क्या है, ये सब वंचक है, ये सब कपटता है। क्यों, अच्छे से हम वहां पर आता है जैव धर्म में, एक है वस्तु का नित्य तत्व या नित्य सेवा, नित्य धर्म, और दूसरा है नैमित्तिक धर्म। जहां पर नित्य धर्म है, जो व्यक्ति नित्य धर्म को पालन कर रहा है, और नित्य मतलब बहुत लोग सोचते हैं कि डेली करने वाले को नित्य धर्म बोलते हैं, और डेली करने वाले को नित्य धर्म नहीं बोलते हैं। कौन, जो पारमार्थिक जीवन में जिसका प्रवेश है वो डेली करने वाले को नित्य धर्म नहीं बोलते हैं। नित्य धर्म मतलब नित्य करने वाला, हमेशा करने वाला। लोग ऐसे पूछते भी हैं, नित्य कर्म हो गया तुम्हारा, मतलब तुम्हारा जो सुबह का स्नान और संध्या वंदन खाना पीना ये सब, इसको नित्य नित्य कर्म बोलते हैं, लेकिन ये नहीं है।
मतलब है ये भी है, लेकिन जिसका जैसे स्टैंडर्ड है ना, जो जिस स्टैंडर्ड को एक बंदा बिलोंग करता है उसके उस हिसाब से वो पार्ट ठीक है, लेकिन जो परमार्थिक जीवन में है वो व्यक्ति के लिए इस प्रकार का आलोचना नहीं है। इसलिए वो बोल रहे हैं कर्म और ज्ञान प्रतिपादक जितने भी कर्म और ज्ञान को प्रतिष्ठित करने वाले, प्रतिस्थापित करने वाले हैं या मार्गदर्शन करने वाले हैं, वो सब उपदेश कैतव है। वो सब क्यों? क्योंकि हमारा नित्य धर्म जो स्वधर्म में वो प्रतिष्ठित नहीं करा रहा है, अर्थात छल, मतलब ये छल धर्म है। अतएव तमोधर्मेर अनुपत अनुगतो, इसलिए क्योंकि वो छल है इसलिए वो भी तमोधर्म ही है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने बोला ना हम विप्रो, मैं विप्र नहीं हूँ, ना च नरपति, मैं तो राजा भी नहीं हूँ, मैं तो वैश्य भी नहीं हूँ, मैं तो शूद्र भी नहीं हूँ, ना मैं ब्रह्मचारी हूँ, ना सन्यासी हूँ, ना गृहस्थ हूँ, ना वानप्रस्थ हूँ, तो मैं कौन हूँ? वास्तविकता में श्री कृष्ण के दास के दास के दास का दास का दास हूँ मैं, ये मेरा वास्तव परिचय है। लेकिन मेरा परिचय जो है मेरा शरीर से नहीं है। ब्राह्मण का परिचय कहाँ से? शरीर से है। या तो सन्यासी का परिचय अपना वेश से है, लेकिन बोल रहे हैं मेरा अपना वेश से या तो मेरे शरीर से मेरा परिचय नहीं है, मेरा परिचय मेरे आत्मा से है। सबका परिचय तो आत्मा से होना चाहिए, लेकिन हम, आप कौन हैं, आप कहाँ से आए हैं, हम सब यही बोलते हैं मैं फलाना ढिमकान हूँ, मैं इस जगह से आया हूँ, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी नहीं बोलेगा मैं भगवान का दास हूँ और भगवान को भूलने के कारण मैं यहाँ आया हूँ। वास्तव परिचय से सब भूल गए हैं, हमारा नित्य परिचय से सब भूल गए हैं, लेकिन जो टेम्पररी परिचय है, मेरा जन्म यहाँ पर हुआ है, मेरा माता पिता का नाम ये है, मेरा नाम ये रखा है, मैं इतने साल पहले मेरा जन्म हुआ, ये सब बॉडी का डिजिग्नेशन है, बॉडी का परिचय है। मैंने पूछा आपका क्या परिचय है, तो मैं दे रहा हूँ शरीर का परिचय। वास्तविकता में ये हमारा परिचय नहीं है। हमारा परिचय क्या है? सनातन शिक्षा में आता है, महाप्रभु बोल देते हैं कृष्ण भूली से जीव अनादि बहिर्मुख। कृष्ण को जी भूलने के कारण ही जो है अनादिकाल से जीव जो है भगवान के विमुख होने के कारण ये टेम्पररी उनको मिला है, लेकिन टेम्पररी मिला हुआ है, परमानेंट नहीं है। हम जिसको जो वस्तु टेम्पररी मिला उसको हम परमानेंट बोल करके परिचय देते हैं। तो यहां पर बोल रहे हैं जो ये सब तमोधर्म का ही परिचय है, ज्ञान और कर्म का शिक्षा। चैतन्यो नित्यानंदेर उदयेर पूर्वे सेई तमोधर्म जीवे हृदय के दूषित करते छिलो। महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का प्रकट होने से पहले सब जीवों में कर्म के प्रति बहुत अभिलाषा, ज्ञान मार्ग को अवलंबन करने की बहुत अभिलाषा यही थी, अभी भी वही है। वो कालक्रमेण सब जो है ना सब ऐसे ही हो जाता है। तो ये तम अज्ञान दुई भाई उदित होइया जीवेर चित्त गुह्य होइते चित्त गुहा होइते सेई तमोधर्मेर दूरीकृत करत वस्तु तत्व प्रकाश करियाचा। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो कि सूर्य और चंद्र के साथ उनको उपमा दिया गया है, वो दोनों उदित हो करके चित्त के अंदर जो गुफा में, चित्त का जो एकदम गह्वर में भीतर में जो अंधकार है, ज्ञान और कर्म के प्रति अभिलाषा से उन्होंने दूर करके वस्तु तत्व का, वास्तव तत्व का उन्होंने परिचय प्रदान किया। जाहार प्रसादे एई तमो हाय नाश, तमो नाश करी करे तत्वेर प्रकाश। वो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों ऐसा हैं, ऐसे हैं उनके प्रसाद से, मतलब उनकी कृपा से जो तमोगुण है, जो अज्ञान है, वो सब नाश हो जाएगा। और इतना ही नहीं, तत्व का, वास्तव तत्व का प्रकाश, जीव तत्व का प्रकाश, भगवत तत्व का प्रकाश, वस्तु तत्व का प्रकाश, प्रकृति तत्व का प्रकाश, सब उन्होंने परिपूर्ण रूप से जो है सब वस्तुओं का अपना 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 जो प्रकाश से सब लोगों को, सब चीजों को स्पष्ट कराया। तत्ववस्तु कृष्ण, कृष्ण भक्ति प्रेम रूप, नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप। जो तत्ववस्तु क्या है? वास्तव तत्ववस्तु बोल रहे हैं कृष्ण, कृष्ण
कृष्ण भक्ति और प्रेम, ये तीन हैं तत्व जो सबको जानना है। नाम संकीर्तन सर्व आनंद स्वरूप, और जो नाम संकीर्तन है वो परमानंद स्वरूप है। जो ये सब तत्वों का महाप्रभु ने विस्तार किया, केवल मात्र अज्ञान को दूर नहीं किया, लेकिन जो वास्तव वस्तु है, वास्तव तत्व है क्या, कृष्ण, कृष्ण भक्ति और प्रेम, कृष्ण प्रेम और नाम संकीर्तन, ये सब तत्वों को उन्होंने स्थापित किया और सब लोग, सब जीवों को उन्होंने प्रदान किया। सूर्य चंद्र बाहिरेर तमह से विनाशे, बहिर्वस्तु घट पट आदि से प्रकाशे। तो बोल रहे हैं जिस प्रकार सूर्य और चंद्र बाहर का जो अंधकार को नाश कर देते हैं, और बाहर का जो वस्तु है घट पट इत्यादि, मतलब घर में जितने भी, मतलब घड़ा है, ये है, वो है, जितने भी सब वस्तुओं को दर्शन कराता है ना। सूर्य चंद्र एक तो अंधकार दूर करता है, दूसरा वस्तुओं का स्वरूप को प्रकाशित कराता है। दुई भाई हृदयेर खाली अंधकार, दुई अवतार संगे कराना साक्षात्कार। ये दो दो भाई, मतलब जो सूर्य और चंद्र के साथ जो जिनको कंपेयर किया है महाप्रभु, नित्यानंद, नींद आ रही है तुमको, इतना सोया था रात को फिर भी नींद आ रही है। चैतन्य महाप्रभु अच्छे से बैठो, ऐसे सपोर्ट दोगे तो वो भी सपोर्ट देता है, वो भी सोता है, आप भी तो सो रहे हो, उसको सपोर्ट दे करके, जिसको सपोर्ट मिलेगा तो उसको नींद आएगा। तो दोनों भाई हृदय के अंदर जो अंधकार है उसको संपूर्ण रूप से खाली कर दिया, मतलब उनको नाश कर दिया, और दुई भागवत संगे कराना साक्षात्कार, दो भागवत के साथ साक्षात्कार कराया। कौन दो भागवत? भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत, दोनों भागवतों के साथ उन्होंने साक्षात्कार कराया। एक भागवत बड़ो भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त भक्ति रस पात्र। बोल रहे हैं दोनों भागवत का साक्षात्कार कर दिया। श्रीमद् भागवत का जो वास्तव सिद्धांत, वास्तविक रूप में उसका सिद्धांत जो है चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाशित किया था। भागवत एक ऐसा ग्रंथ है, सर्वोत्तम ग्रंथ है, लेकिन उसको चैतन्य महाप्रभु के जितने भी अनुचर हैं, जो क्या बोलते हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद, बलदेव विद्याभूषण लोगों ने उस ग्रंथ के ऊपर उन्होंने कमेंट्री देकर के, जीव गोस्वामी इत्यादि, भागवत संदर्भ इत्यादि सब लिख करके उन्होंने भागवत ग्रंथ का जो वास्तव जो गुह्य वस्तु है उस चीज को उन्होंने प्रकाशित किया। इसीलिए उन्होंने अंधकार तो दूर किया ही किया था, साथ साथ उन्होंने जो दो भागवत का साक्षात्कार कराया, एक है ग्रंथ भागवत जिसको पढ़ करके भगवान के बारे में ज्ञान मिलेगा या भगवान का प्रेम मिलेगा, और एक भागवत है जो भक्त भागवत। भक्त भागवत क्या बोल रहे हैं? भक्ति रस पात्र, जो भक्ति रस के पात्र हैं, वो जो भागवत में जो शिक्षाएं हैं उस शिक्षाओं का जो एक घनीभूत मूर्तिमान विग्रह है भक्त भागवत। इसलिए भक्त भागवत में और ग्रंथ भागवत में कोई भेद नहीं है। एक अचल भागवत है, एक चल भागवत है। मतलब अचल भागवत मतलब जो चल नहीं सकता है, जिसके पास जाकर के कृपा लेना पड़ेगा। और एक है चलित भागवत, जो अपने आप सबके पास जाकर के कृपा देते हैं। ये दो प्रकार के भागवत हैं, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत। दुई भागवत द्वारा दिया भक्ति रसो, ताहार हृदय तार प्रेमे होय वशो। बोल रहे हैं कि ये दोनों भागवत के द्वारा क्या किया, भक्ति रस, भक्ति रस मतलब जो भक्ति में जो पंच रस है उसमें जो चार मुख्य रस, दास्य साख्य वात्सल्य मधुर, इन चार रसों को उन्होंने भागवत के द्वारा दिया सब भक्तों को, भक्त और भागवत दोनों, भक्त भागवत और ग्रंथ भागवत दोनों के माध्यम से। ताहार हृदये तार प्रेमे होय वश, और वही भक्तों के हृदय में उनकी भक्ति से वशीभूत हो जाते हैं। दिया उन्होंने,
भक्ति उन्होंने ही दिया, और भक्त जो उस भक्ति को करते हैं उस भक्ति के द्वारा वशीभूत होकर के फिर भगवान उनके हृदय में प्रवेश करते हैं। जो पिया या प्रेम मत्त कोरी मोरे सुनो निज गुणगान, प्रभु आप ही मेरे को जो है अधिकार दीजिए कि मैं आपका गुण गान कर सकूं, गुणों का कीर्तन कर सकूं, और जब मैं आपका गुणगान करूंगा उसमें मत्त हो जाऊं, उस मत्त अवस्था में जो कुछ मैं बोलूंगा आप ही श्रोता के रूप में रहिए, मतलब कीर्तनकारी आप ही रहेंगे और श्रोता भी आप ही रहेंगे, क्योंकि जब तक आप मुझे आपके प्रेम से मत नहीं करोगे, प्रेम पिला करके, तब तक मैं आपके गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, है कि नहीं। जो व्यक्ति आस्वादन किया वही व्यक्ति तो गा पाएगा उस वस्तु की महिमा। मैंने खाया नहीं, किसी से सुना हुआ है, बोल रहा हूँ जैसा अभी मैं कर रहा हूँ, वास्तविकता में जिसका रस का आस्वादन नहीं है वो वस्तु का वास्तविक रूप में कहाँ स्वर्णन कर पाएगा। इसलिए भक्तिनो ठाकुर बोल रहे हैं उस मत अवस्था में जो मैं आपका गुणगान करूँगा आप ही मेरे मुख से गवाइए, आप ही श्रोता बन करके सुनो निजे गुणगान, अपना गुणगान आप ही श्रवण कीजिए। इसलिए यहाँ पर बोल रहे हैं कि भागवत द्वारा भक्ति का रस दिया और वो स्वयं जो है उस भक्ति से परवश होकर के भक्तों के हृदय में विराजमान रहते हैं। एक अद्भुत समकाले दोहार प्रकाश आर अद्भुत चित्र गुहार तम करे नाश, बोल रहे हैं इस श्लोक में एक शब्द आता है पुष्पवंतौ चित्रौ, चित्रौ एक शब्द है, वो चित्र बोल रहे हैं एक अद्भुत, चित्र मतलब अद्भुत है, विचित्र है, अद्भुत है, क्या समकाले दोहार प्रकाश, एक ही टाइम में दोनों का प्रकाश है, ये आपका अद्भुत है। सूर्य और चंद्र एक समय कभी प्रकाशित नहीं होते हैं, लेकिन ये अद्भुत है कि आप दोनों महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु एक ही समय प्रकाशित हुए हैं। आर अद्भुत चित्त गुहार तमह करे नाश, और दूसरा अद्भुत है हृदय के अंदर का, अभी सूर्य चंद्र तो बाहर का अंधकार को नाश करते हैं, है कि नहीं, सूर्य तो अंदर का अंधकार को नाश नहीं करेगा ना, करेगा अंदर का जो धर्म अर्थ काम मोक्षा की वांछा, कनक कामिनी प्रतिष्ठा की वांछा, और काम क्रोध लोभ मोह मद इच्छा इत्यादि जितने भी रिपु है शत्रु है, ये सब तो हृदय के अंदर ही बैठे हैं। बोल रहे हैं कि प्रभु सूर्य चंद्र एक तो चित्र ये है कि दोनों कभी एक साथ उदित नहीं होते हैं, वो तो एक विचित्र है, और दूसरा विचित्र ये है कि सूर्य चंद्र जो बाहर जगत का ही अंधकार को दूर करते हैं आप तो हृदय के अंदर का अंधकार को दूर कर रहे हैं, इसलिए चित्रऊ, इसलिए तो बहुत आश्चर्य की बात है। एई चंद्र सूर्य दुई परम सदय जगतेर भाग्य गौड़े करिला उदय, ये दोनों सूर्य चंद्र मतलब महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जो है सब बहुत दयावान होकर, जीवों के ऊपर बहुत दयावान होकर उन्होंने जगत का भाग्य उदित करते हुए गौड़ भूमि में प्रकट हुए। श्री भक्तिनो ठाकुर यहाँ पर लिख रहे हैं कि जगतेर भाग्य भाग्य से दुई भाई प्रचारित प्रेमधर्म क्रमशः एई जगते सर्वत्र व्याप्त होइबे, यही जगतेर भाग्य, इस जगत का भाग्य क्या है बता रहे हैं भक्तिनो ठाकुर, इन्होंने जो प्रेम धर्म का प्रचार किया है इस जगत में सब जगह व्याप्त होगा, यही इस जगत का भाग्य है। भाग्य क्या है, पैसा या मान प्रतिष्ठा सम्मान, ये भाग्य नहीं है, भगवान का प्रेम, प्रेम धर्म बिना, प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन, प्रेम धन के बगैर जीवन जो है व्यर्थ है और दरिद्र है, इसीलिए वो प्रेम धन ही सर्वोत्तम भाग्य है। तो वो भाग्य उदित करने के लिए गौड़ भूमि में दोनों भाई प्रकट हुए। सेई दुई कौन, चैतन्य नित्यानंद प्रभु को उनकी चरण वंदना करता हूँ जिससे जितने भी जगत के विघ्न, भक्ति के विघ्न हैं सब नाश हो जाएंगे,
और अभीष्ट पूरण जो अभीष्ट वस्तु है उसको लाभ कर पाएंगे। यही दुई श्लोके कैल मंगल वंदन, तृतीय श्लोके अर्थ सुनो सर्वजन। बोल रहे हैं अभी दो श्लोक का मैंने किया है, प्रथम दो श्लोक का क्या, पहले श्लोक में छह तत्व का वर्णन किया, द्वितीय श्लोक में महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो सूर्य चंद्र के सम उदित हुए हैं ये श्लोक का बोल रहे हैं। मैंने अभी दो श्लोक का मंगल वंदना किया है, क्योंकि पहले ही हम उन्होंने बोल दिया पहले का 14 श्लोक मंगलाचरण है। इन श्लोकों की व्याख्या में सप्तम स्कंद सप्तम परिच्छेद तक सातवां अध्याय तक वो करेंगे, ठीक है। तो बोल रहे हैं कि अभी मैंने प्रथम दो श्लोक का मैंने मंगल वंदना किया है और अब तृतीय श्लोक का मैं अर्थ बोलने जा रहा हूं, सब लोग ध्यान से सुनिए। वक्तव्य बाहुल्य ग्रंथो विस्तारेर डरे, विस्तारी ना वर्णी सर्वार्थ कही अल्पाक्षरे। बोलते हैं कि अगर मैं इसको बहुत ज्यादा व्याख्या करूंगा तो क्या होगा, ग्रंथ मोटा हो जाएगा, ऑलरेडी है मोटा। बोल रहे हैं इसको मैं अगर विस्तार से बताऊंगा तो फिर ग्रंथ जो है बहुत मोटा हो जाएगा, मतलब बाहुल्य उसका जो है ये साइज बढ़ जाएगा। इसीलिए उस डर से मैं बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूँ, संक्षिप्त में जितना संक्षिप्त हो सके उतना संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूँ। अब विस्तार से बताएंगे तो और क्या होगा, कितने साल पढ़ना पड़ेगा हमको ना। तो ना वर्णी सर्वार्थ, मैं सब कुछ नहीं बता रहा हूं, एक संक्षिप्त भाव से जितना कही अल्पाक्षरे, कुछ अल्प अक्षरों मतलब कुछ ही शब्दों में थोड़ा सा मैं वर्णन करने जा रहा हूं। मितंच सारंच वचो ही वांग्मिता इति, बोल रहे हैं परिमित सार्वाक्येर उक्ति के वांग्मिता बोले। वांग्मिता मतलब वांग्मिता समझते हैं, जो अच्छा वक्ता उसको बोलते हैं वांग्मिता, अच्छे से बोलने वाले को वांग्मिता बोलते हैं। बोल रहे हैं परिमित सार्वाक्येर उक्ति के, मतलब बहुत शब्दों को अल्प शब्दों में समझा सके उसी को बोलते हैं वांग्मिता, है ना। बोल रहे हैं कि ये अनादि व्यवहार सिद्ध प्राचीनेर शास्त्रे रुक्ति, कोई एक शास्त्र है उसकी उसकी वाणी है। बोल रहे हैं बहुत मतलब बहुत चीज़ों को अल्प शब्दों में जो वर्णन कर पाएगा उसको वांग्मिता बोलते हैं। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि मैं बहुत कुछ विस्तार नहीं करके अल्प अक्षर में मैं बताने जा रहा हूँ। सुनिले खंडिबे चित्तेर अज्ञानादि दोष, कृष्ण कृष्णे गाढ़ प्रेम होवे पाइबे संतोष। ये सुनने से, क्या सुनने से, जो मंगलाचरण के जो श्लोक हैं और जो महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव का जो मूल कारण है और क्या देने के लिए जगत में आए हैं, ये सब सुनने से या ये पूरा चैतन्य नित्यानंद प्रभु का जो तत्व है और उनका लीला उनकी लीलाएं हैं उनको उनको सुनने से क्या हो गया, खंडिले चित्तेर अज्ञानादि दोष, अज्ञान और इस प्रकार का जितने भी प्रकार के दोष हैं ये सब खंडित हो जाएंगे, मतलब खत्म हो जाएंगे, और कृष्ण में गाढ़ प्रेमी प्रेम होगा और मन में आनंद संतोष पाएंगे, आनंद हृदय में आनंद भी अनुभव होगा। भक्तिनाथ ठाकुर बोल रहे हैं कृष्णे गाढ़ प्रेम होवे, इसके लिए बोल रहे हैं एई स्थले पाठांतरे सर्वतत्व ज्ञान होइबे पावा जाए। कोई कोई जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि सब तत्वों के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा, ऐसा भी कोई कोई जगह बताया गया है। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत महत्व, तार भक्त भक्ति नाम प्रेम रस तत्व। तो इस ग्रंथ में किन किन चीजों का वर्णन है वो बता रहे हैं, है ना। क्या चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य का महत्व, उनके भक्त भक्ति नाम प्रेम और रस,
इन सब चीजों का चेतन चरितामृत में वर्णन है। क्या क्या? चेतन जी महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, भक्ति, भक्त, नाम, प्रेम, रस, इन सब तत्वों का चेतन चरितामृत में वर्णन है। भिन्न भिन्न लिखियाची कुरिया विचार, सुनिले जानिबे सब वस्तु तत्वसार। सबको मैंने अलग अलग करके लिखा है, ठीक है। इसको विचार करके हर एक तत्व को मैंने अलग अलग करके लिखा है। इन सबको सुनने से, जानने से वस्तु तत्व का जो सार जानकारी होगी, मतलब इसको अच्छे से सुनने से जो वस्तु तत्व है, वस्तु तत्व मतलब वस्तु का जो वास्तव स्वरूप है, प्रेम का भी एक वास्तव स्वरूप है, रस का भी एक वास्तव स्वरूप है, भक्त का एक स्वरूप है, भक्ति का एक स्वरूप है, श्री कृष्ण सबका एक स्वरूप है, सबका है ना स्वरूप, तो वो सब स्वरूप जो है सुनने से तुम लोग जान पाओगे। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आश चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास का विराज गोस्वामी बोल रहे हैं। रूप गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी का चरण ही जिनकी आशा है, जिनकी चरण रेणु ही जिनकी आशा है, ऐसा कृष्णदास कविराज गोस्वामी चेतन चरितामृत का वर्णन कर रहा है। इति श्री चेतन चरितामृत आदिकंडे गुरुवादी वंदन मंगलाचरणम नाम प्रथम परिच्छेद। तो यहाँ पर प्रथम परिच्छेद चेतन चरितामृत का आदिकंड का प्रथम परिच्छेद, जिसमें गुरु आदि का जो वर्णन है वो समाप्त है। तो कल हम द्वितीय अध्याय पढ़ेंगे, द्वितीय परिच्छेद। मनीष बोलता है क्या पढ़ते जा रहे हो, एग्जाम नहीं लोगे क्या, है ना? एग्जाम देने की इच्छा है ना तुमको, है ना? जय श्री चेतन चरितामृत।